दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए क्लास में। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पता होगा आपको कि पिछले साल का पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले क्लास में हम सॉल्व करा चुके थे। आज के क्लास में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी लॉन्ग में आया है, इसे सॉल्व कराएंगे। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें इसमें। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, एक आपको यहाँ पे सीरीज दे रखी है और बताना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बात बता दें कि इस तरह का सवाल पेपर में आता ही आता है, वो भी लॉन्ग में। आपको पता होगा 25 नंबर में लॉन्ग आता है और लगभग हर साल इस तरह का सवाल पेपर में जरूर होगा। टेस्ट द सीरीज वाला मतलब इन्फानाइट सीरीज से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसलिए इसे छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। इस चैप्टर की अगर हम आपको बात बताएं तो इस चैप्टर में लगभग 10 टेस्ट है। अगर आपको 10 टेस्ट के नियम याद है, मतलब जो फॉर्मूला होता है टेस्ट का, वो अगर आपको याद है, टेस्ट कोई सा भी आ जाए, कोई भी सीरीज आ जाए, कैसी भी सीरीज आ जाए, अगर आपको 10 टेस्ट के नियम याद हैं तो कोई भी सवाल आ जाए टेस्ट का, आप उसे लगा सकेंगे। बहुत आसान होते हैं, बस इसके लिए आपको उन 10 टेस्ट के नियम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल को हम लगाएंगे और इस सवाल को ये भी लगाएंगे जब हम आपको ये भी बताते रहेंगे साथ में कि किस तरह से सवाल लग रहा है, ताकि इसके अलावा भी कोई भी सवाल आ जाए टेस्ट द सीरीज वाला, वो भी आप लगा सके। समझ में आ गया? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसे लगेगा कैसे। सबसे पहला काम है कि ये जो आपको सीरीज दे रखी है, इसको हम यूएन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यूएन मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग करेंगे सवाल की। हमने यहाँ पे डाला सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में इस सीरीज को यूएन मान लिया, तो हमने लिखा लेट करके, लेट यूएन बराबर आपके पास आ चुका है 1 + 2² / 3² + 2² * 4² + 2² * 5² + 2² * 4² * 6² + 2² * 4² * 6² + 2² * 4² * 6² + 2² * 4² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 2² * 4² * 6² + 2² * 6² + 2² * 4² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 4² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² * 6² + 2² *
टर्म कितना होता है, तो nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में कि n टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, n क्या है, यहाँ पे n टर्म तो निकालते ही है, और d क्या होता है, दो हमारे दो टर्म्स के बीच की जितना भी गैप होता है, डिफरेंस जो होता है वो हमारा d होता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी सीरीज का nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये चीजें हमने आपको बहुत आसान तरीके से बता रखी है। देखिए, अगर हम इसका n टर्म निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो हम इसे सिग्मा यू एन करके लिख सकते हैं ना, n टर्म को हम अगर पूरी सीरीज को हटा दें, पूरी सीरीज को हटा के हम n टर्म लिखते हैं, साथ में यहाँ पे हम इस वाले फर्स्ट टर्म को अगर नेगलेक्ट भी कर दें, हम यहाँ से n टर्म निकाल के आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगलेक्टिंग, यहाँ पे हमने लिखा नेगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। अगर हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दें तब उसके बाद देखिएगा nth टर्म कितना आएगा, तो हमने लिखा nth टर्म, यहाँ पे सिग्मा लगा के लिखेंगे, सिग्मा यू एन बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को हटा के आप यहाँ से देखिएगा n टर्म कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 2 इंटू 4 है, यहाँ 2 इंटू 4 इंटू 6 है। देखिए सभी पर स्क्वायर चल रहा है, वो तो बाद में चढ़ जाएगा, लेकिन अपने डिजिट्स को देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 इंटू 4 है, यहाँ 2 इंटू 4 इंटू 6 है। अगर हम आपसे पूछें इसके जस्ट बाद अगला टर्म क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो ये 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 आ जाएगा। इस तरह से ये आगे तक चलता ही रहेगा, कब तक, n टाइम तक चलता रहेगा। तो वही हमें n टर्म वाला लिखना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये इस तरह से आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 तो आएगा ही, साथ में इसके मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2n, इसका nth टर्म क्या आएगा 2n आएगा। अब सभी पर स्क्वायर लगा है, तो भाई इस पर भी क्या चढ़ा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई आपने ये डायरेक्ट कैसे बता दिया 2n आएगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, दो टर्म्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा। इस फॉर्मूले में आप रखकर देख लीजिए, फर्स्ट टर्म 2 है, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, दो टर्म्स के बीच की डिस्टेंस मतलब डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 2 ही आएगा, 6 माइनस 4 2 ही आएगा, मतलब दो टर्म्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे d कहते हैं, मतलब डिस्टेंस नहीं डिफरेंस जो होता है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए, तो 2 प्लस यहां अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, केवल 2n आ गया। तो आप किसी भी सीरीज का nth टर्म निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वैसे तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए nth टर्म जो हमने निकाला है, इसे चेक करने का भी तरीका बहुत आसान है कि आपका सही है या गलत है। तो आप n का मान यहाँ रखते जाइए, n का मान अगर आप 1 रखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा,
एन का मान 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। जैसे जैसे आप एन का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे सीरीज मिलती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है एन टर्म निकालने का। उसके बाद डिवाइड लगाया। अब नीचे भी देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, 3, यहाँ 3 इंटू 5 है, यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 7 है। तो इसी तरह से अगला टर्म क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यानी कि nth टर्म में क्या आ जाएगा भाई, 3 इंटू 5 इंटू 7 तो आएगा, बीच में भी कई सारे टर्म्स आएंगे तो हमने डैश 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 लगा दिया। और इसका nth टर्म क्या आएगा, 2n प्लस 1 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, a की जगह 3 रखिए और d की जगह 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा। तो a की जगह पे 3 और d की जगह पे 2 रखेंगे तो आपका इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए सभी पर स्क्वायर चढ़ा है तो आप भी यहां पर भी क्या करेंगे, सभी पर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमने आपको सिखा दिया कि पहला टर्म क्या है, सिग्मा, पूरा जो हमारी सीरीज है, सीरीज लिखने के बाद उसका एन टर्म निकालना पड़ता है। और एन टर्म हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखा दिया है, कोई भी सीरीज हो, सीरीज लिखने के बाद आपको उसका एंथ टर्म लिखना पड़ता है, जो कि सवाल में नहीं दे रखा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले बार में इस सिग्मा को हटा के लिख लेंगे। तो यू एन बराबर कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, बीच में कई सारे टर्म्स आएंगे, और ये हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, बीच में कई सारे टर्म्स आएंगे और यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो un बराबर इतना आ चुका है। जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिख रही हो तो हम अगली चीज क्या करते हैं, यहाँ पे n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 में, मतलब un प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। आपको कई सारे टेस्टेस हमने पढ़ाए थे तो उसमें तीसरा टेस्ट हमने आपको क्या पढ़ाया था, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ाया था। तो डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट भाई हमारा क्या होता है, आपको बता दें, ये टेस्ट होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होती है, un अपॉन un प्लस 1 होता है। तो un की वैल्यू आपके पास है, अगर हम un प्लस 1 भी निकाल ले, दोनों को डिवाइड कर दे और लिमिट लगा दे तो हमारा डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लग जाएगा। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो सीरीज क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी लेस देन 1 आ जाएगी तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर इसका मान 1 आ गया, 1 के बराबर, तो टेस्ट हो जाएगा फेल। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तब भाई दूसरा टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है टेस्ट को लगाने का। ठीक है, तो एक एक करके टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ही डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से होती है। ठीक है, तो यहां पे डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए आपको un प्लस 1 निकालना है, मतलब n की जगह पे n प्लस 1 रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश डैश लगाएंगे, केवल n की जगह पे n प्लस 1 रखिए। तो भाई यहाँ पे देखिए, ये होल ऑफ स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप इसे खोलेंगे तो भाई इसी तरह से तो लिखेंगे, 4n स्क्वायर, n की जगह पे n प्लस 1 रख दीजिए। तो ये लीजिए, n की जगह पे हमने n प्लस 1 रख दिया तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारा ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश डैश डैश, और यहाँ पे भी n की जगह पे देखिए ध्यान से 2 लिखा, इस n की जगह पे क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का 1 लिखा, और यहाँ क्या चल रहा है, होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा दिया। अगर आप चाहें ना ही खोलना चाहते हैं, आप इसको भी चाहें तो इसी तरह से लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए। वही तो क्या, बस n की जगह पर n प्लस 1 रखा है। अब आगे इसे आप सॉल्व करिए तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर डैश डैश डैश, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगाया फिर से, आप नीचे देखिए, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश डैश डैश, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, इसे सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा, 2n मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आ गया, और एक ये प्लस का 1 चल रहा है, बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2n प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया इसको सॉल्व करने पर। तो आई होप इतना समझ में आपके आया होगा हमने क्या किया है, पहले हमने इसका nth टर्म निकाला तो un मिल गया हमें, और उसके बाद n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 में तो un प्लस 1 मिल गया है। देखिए हमारे पास un की वैल्यू है और un प्लस 1 की वैल्यू है, तो डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, un अपॉन un प्लस 1 करते हैं। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस वाले टर्म में ही हमारा un बन जाएगा, कैसे बनेगा, तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, यहाँ पे हमारा चल रहा है un प्लस 1 बराबर लगाया, देखिएगा ध्यान से, ये हमने लिखा 2 स्क्वायर
फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर डैश 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 लगाया और ये हम सेम इसी तरह से लिखते जा रहे हैं। अभी आप बताइएगा कि आपका un बना कि नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह से लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे कि हमने दोनों स्टेप तो एक जैसे लिख दिए लेकिन ये बीच में हमने स्पेस छोड़ा, देखिएगा क्यों छोड़ा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में कई सारे स्टेप्स होंगे, यहाँ 2n प्लस 2 है तो 2n प्लस 2 से भी तो पहले कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लिखें 3 into 2, अगर यहाँ पे इस तरह 2 into 1 लिखे तो आप कह देंगे इधर 3 होगा, भाई इसी तरह से तो होगा। तो यहाँ पे अगर 2n plus 2 वैल्यू है तो इससे पहले भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी क्योंकि बीच में कई सारी वैल्यूज चल रही हैं। तो यहाँ पे इससे पहले वैल्यू कौन सी होगी, तो भाई इससे पहले वैल्यू होगी 2n का होल स्क्वायर होगा। कैसे हमने बताया, तो भाई un को देख लिया, यहाँ पे 2n स्क्वायर दे रखा है होल स्क्वायर, तो यही वैल्यू इससे पहले होगी। सेम उसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ 2n plus 3 है तो 2n plus 3 से पहले वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 2n plus 1 होगी। स्क्वायर चल रहा है होल ऑफ, तो होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑड नंबर चल रहा है क्यों, कैसे देखा, तो भाई यहाँ पे देखिए 2n plus 1 चल रहा है तो यहाँ 2n plus 1 होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है लिखने का। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा इधर वाला टर्म है, ये पूरा टर्म क्या बन चुका है, un बन चुका है, साथ में ये वाला अलग से बचा हुआ है तो इसे हम अलग लिख लेंगे। तो इसके बाद देखिए, इसी के नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप इधर चल रहा है un plus 1 और ये इधर ये वाला जो पूरा टर्म है, यहाँ से लेकर ये पूरा टर्म बन चुका है un और ये इसकी जगह देखिए हमने un लिख दिया। बचा क्या है साथ में, साथ में बचा है 2n plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन में बचा है 2n plus 3 का होल स्क्वायर बचा है। तो देखिए ध्यान से, जो un बन रहा था un बना दिया, बचा हुआ टर्म उसे हमने लिख दिया है। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल आता है हम ऐसे ही लगाते हैं, सबसे पहले un हमने इसका nth टर्म निकालते हैं, un plus 1 लगाते हैं। जब भी इस तरह की सीरीज चल रही होती है तो हमेशा इसी वाले टर्म में हम un बना लेते हैं, उसका पहले वाला टर्म लिखकर। तो un बना लिया, जो बचा हुआ है उसे लिख लिया। अब अपना लगाते हैं डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए क्या करते हैं, un अपॉन में un plus 1 होता है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, अगर हम इसे इसके नीचे ले आए तो ये क्या मिल जाएगा हमें, un plus 1 अपॉन में un बराबर में आ जाएगा 2n plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2n plus 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में ये ऊपर होता है ये नीचे होता है, तो जब हम इसे पलटेंगे तो इधर वाली भिन्न भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा un अपॉन में un plus 1 बराबर आ जाएगा 2n plus 3 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2n plus 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब अप्लाई करते हैं टेस्ट को। तो यहाँ पे हमने लिखा अप्लाई डी'एलेम्बर्ट्स, ये हो जाएगा डी'एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो इस रेशियो टेस्ट का मतलब है अब पूरा बन चुका है, बस इसमें लिमिट लगानी है। तो हमने लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 जैसा लिखा है लिखा रहने देंगे। जब इधर लिमिट लगाई है तो इधर भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 अपॉन में 2n प्लस 2, इन दोनों का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, लगा दिया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दे रखा है 2n और यहाँ पर भी जो 2n है इसे कॉमन निकाल लेंगे। तो आपको भाई बताया था, कई बार बताते हैं कि जब ये कॉमन बाहर आएगा तो भाई इसकी होल ऑफ स्क्वायर पावर चल रही है, तो जब ये कॉमन हम लेंगे तो जाहिर सी बात है ये पावर भी अपनी बाहर साथ ही लेकर आएगा। तो 2n का होल स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 3 अपॉन में 2n होल स्क्वायर चल रहा है, लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी 2n का कॉमन लेंगे तो पावर भी अपने साथ लेकर आया, तो क्या बचा, 1 प्लस 2 अपॉन में 2n का होल स्क्वायर बचा है। तो हमने इसे यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, देखिए इतना लिखने के बाद देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब आप लिमिट को टेक कर सकते हैं, आपने अगर लिमिट टेक करा तो यहाँ पे लिख भी देते हैं टेकिंग लिमिट। जैसे ही आप लिमिट को टेक करेंगे देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। आपने n की जगह पे इन्फिनिटी रखना है, तो n यहाँ है, n यहाँ इन्फिनिटी रखिए। पहले आपने यहाँ इन्फिनिटी रखा तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब 3 अपॉन इन्फिनिटी, किसी के भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होता है तो ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अपॉन लगाया, यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है भाई, लगा दिया हमने। फिर 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, फिर से क्या बन जाएगा, 0। तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, मतलब कुल मिलाकर ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब हमने लगाया तो इसका आंसर कितना आ गया,
वन आ गया, और वन आने का मतलब है ये टेस्ट हो गया फेल। क्या हो गया? टेस्ट फेल हो गया। जब टेस्ट फेल हो जाता है तब हम कोई दूसरा टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट कौन सा लगाएंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर वन बना लीजिएगा। अब जब हम दूसरा टेस्ट क्या लगाएं, दूसरा जब ये डी लंबर्ड रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाता है तब हम लगाते हैं राबेस टेस्ट। क्या लगाते हैं? राबेस टेस्ट लगाते हैं। राबेस टेस्ट क्या होता है भाई? ये होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, ये होता है राबेस टेस्ट। वही चीज़ है, कंडीशन सब में सेम रहेंगी। इसका मान अगर ग्रेटर देन वन आ जाए तो कन्वर्जेंट, लेस देन आ जाए तो डाइवर्जेंट, बराबर आ जाए तो टेस्ट फेल फिर से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राबेस टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, un अपॉन un प्लस वन आपके पास तो है, इसमें बस n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस वन कर, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, n बाहर होता है। तो पहले क्या करना है, पहले माइनस वन करना है, n से मल्टीप्लाई करनी है। इसको सॉल्व करेंगे, अब डिपेंड करेगा अब ये कितनी वैल्यू आ रही है। अगर ग्रेटर देन वन आ रहा है तो हम बता देंगे कन्वर्जेंट है, लेस देन वन आ रहा है तो हम कह देंगे डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर केवल वन आ जाए बराबर में तो हो जाए फिर से टेस्ट फेल। तो वही लगाते हैं। तो हमने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, राबेस टेस्ट लगाने के लिए पहले माइनस वन करेंगे। तो हमने यहां लिखा सब्सट्रैक्टिंग माइनस वन करेंगे, तो यहां लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग यहाँ हो जाएगा वन, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं सब्सट्रैक्टिंग वन, या इस तरह से लिख लीजिए माइनस वन करेंगे दोनों ओर। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ऐसे ही रहेगा, इधर माइनस वन कर दिया और बराबर लगाया, टू एन प्लस थ्री का होल स्क्वायर है अपॉन में टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर है, और इधर भी क्या कर दिया, माइनस वन कर दिया है। देखिए क्या किया, दोनों ओर माइनस वन हमने किया है, क्योंकि हमें राबेस टेस्ट अप्लाई करना है, कर दिया। अब इस वाले आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है एलसीएम लेके, देखिए फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, माइनस वन लगाया, बराबर लगाया। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन है, यहाँ एलसीएम लेके पूरा सॉल्व होगा, तो टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, साथ में यहाँ आ जाएगा टू एन प्लस थ्री का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, भाई एलसीएम लेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। उसके बाद इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा 2 इंटू 2n इंटू 3। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करेंगे दो दूनी चार, चार तीन 12, तो ये हो जाएगा 12n आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाया, यहाँ पर ही फॉर्मूला लगाइए, लेकिन ये माइनस चल रहा है तो सारे सिंबल अंदर माइनस के ही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4n स्क्वायर, माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा हो उसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा 12 और 8, 12 में से 8 गए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4n, माइनस यहाँ पे देखिए 9 और 4, 9 में से 4 गए तो माइनस के 5, सॉरी प्लस के 5 बचेंगे, तो इतना बचा है, और नीचे हमारे पास क्या बचा है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, un अपॉन में un प्लस 1, un प्लस 1 और ये माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई है। अब राबेस टेस्ट के लिए n भी होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये हो जाएगा n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, बराबर लगाया, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई पूरे में करने वाले हैं, तो ये आपके सामने हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस 5n अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या किया है, इधर साइड में भी n से मल्टीप्लाई, इस साइड में भी n से मल्टीप्लाई, जब आप करेंगे तो n का n स्क्वायर हो जाएगा, 5 यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों साइड करती है। अब ये पूरा राबेस टेस्ट के लिए बन चुका है, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई राबेस टेस्ट, तो राबेस टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसके लिए यहाँ दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 लगा दिया, और इधर भी लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए 4n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी इस 2n को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए 4n स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 5n अपॉन में
4n का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर 2n को कॉमन निकालेंगे तो पावर भी अपने साथ लेकर आएगा, मतलब कि 2n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन में 2n का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो 4n का 4n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस n से ये वाला n भी एक क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 5 अपॉन 4n बचा है। अब लिमिट को टेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट, जब आप लिमिट को टेक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू इन्फिनिटी, 4 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब 5 अपॉन इन्फिनिटी, डेनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो क्या बन गया 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन में, ये देखिए 1 प्लस यहाँ पर भी क्या बनेगा 0 ही बनेगा क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो ये हमारा क्या बन गया 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल ये क्या आ गया 1 ही आ गया। तो जब बराबर में 1 आ गया है राबेस टेस्ट लगाने पर, तो ये टेस्ट भी क्या हो गया, ये टेस्ट भी हमारा फेल हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट फेल। अब ये लीजिए, पहला टेस्ट हमने लगाया डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो वो भी हमारा फेल हो गया। सेकेंड टेस्ट हमने इसमें अप्लाई किया राबेस टेस्ट, वो भी हमारा टेस्ट फेल हो गया। तो आप देख सकते हैं जब ये 25 नंबर में सवाल आया है तो 2 से 3 टेस्ट तो फेल होंगे ही होंगे, एटलीस्ट एक टेस्ट तो फेल हो गई, क्योंकि भाई 25 नंबर में जब तक टेस्ट फेल नहीं होगा तब तक ये सवाल बड़ा कैसे बनेगा, इसीलिए तो 25 नंबर में आया है। तो भाई देखिए, एक टेस्ट फेल हो चुका है, दूसरा भी टेस्ट फेल हो चुका है, लेकिन ये सवाल लेंथी जरूर बनता जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं लगाने का तरीका बिल्कुल हम नहीं चेंज कर रहे हैं, बस इसके लिए आपको टेस्ट याद होने चाहिए। अगर हम आपको बताएं इस टेस्ट में, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा ही क्या, सबसे पहले सीरीज लिखी, इसका एंथ टर्म निकाला, एन टर्म निकालने का तरीका भी हमने आपको बता दिया, उसके बाद क्या किया यू एन प्लस वन टर्म निकाला, एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन में। अब उसके बाद डी-अलेम्बर्ट टेस्ट लगाने के लिए इसके पहले वाला टर्म लिख लिया तो ये यू एन बन गया है, अब इसका हमने यू एन अपॉन un प्लस 1 लगा दिया। अगर आप दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो ये डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बन जाएगा। सॉल्व किया 1 आ गया तो ये टेस्ट हो गया फेल। जब टेस्ट फेल हो गया तो हमने क्या किया, राबेस टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। राबेस टेस्ट के लिए इसमें -1 करना पड़ता है और n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने इसी क्वेश्चन में -1 से मल्टीप्लाई करी, फिर हमने इसे सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया n से मल्टीप्लाई करी, तो राबेस टेस्ट बस बन चुका है। अब दोनों तरफ अगर आप लिमिट लगा देंगे तो पूरा राबेस टेस्ट बन जाएगा, तो दोनों तरफ हमने लिमिट लगाई, इसे सॉल्व किया तो फिर से 1 आ चुका है और 1 आ गया है, तो इसका मतलब ये भी टेस्ट फेल हो गया। अब जब ये भी टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा टेस्ट लगाएंगे। अब भाई कौन सा टेस्ट है, अब एक टेस्ट इसमें तीसरा टेस्ट लगेगा, वो कौन सा टेस्ट है, डी मॉर्गन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, डी मॉर्गन टेस्ट। अब डी मॉर्गन टेस्ट क्या होता है, डी मॉर्गन टेस्ट होता है एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, और ये हमने क्या किया है, ये हमने आगे -1 कर दिया और ये लगा दिया log n, और यहाँ पे क्या होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होता है। देखिए ध्यान से, ये हमारा डी मॉर्गन टेस्ट होता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म देखिए, अगर हम आपको इसको तोड़ के दिखाएं तो केवल इसकी बात करें यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की, तो ये क्या है हमारा डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर हम इसकी बात करें इस टोटल की तो ये क्या है हमारा राबेस टेस्ट। अब इसमें अगर टू पूरा मिला दिए तो ये क्या बन गया, डी मॉर्गन टेस्ट बन गया। डी मॉर्गन टेस्ट में क्या है, इतना तो आपके पास बना बनाया है ना, इसमें -1 कर दीजिए उसके बाद log n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डी मॉर्गन टेस्ट बन जाएगा। तो यानी कि इस वाली हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये कहाँ पे दे रखी है, तो ये हमें दे रखी है यहाँ पे, तो इसे इक्वेशन नंबर दूसरी बना लेंगे। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पहले -1 करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद log n लगा लेंगे, साथ में लिमिट लगा लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं ये टेस्ट का हमारा आंसर क्या आता है। वही कंडीशन सब में सेम रहेंगी कि अगर लेस देन ग्रेटर, यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर इसका मान ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर लेस देन 1 आ रहा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और बराबर 1 आ रहा है तो सीरीज हमारी हो जाएगी, फिर से टेस्ट फेल हो जाएगा। ये सारे में सारे 100 टेस्टों में, 9 टेस्टों में ये कंडीशन सभी में सेम रहती है, बस एक टेस्ट है कॉची रूट वाला, उसमें ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब उसमें उल्टी कंडीशन होती है, ग्रेटर देन 1 पर हमारा हो जाता है डाइवर्जेंट और लेस देन 1 पर हो जाता है कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। फिलहाल आप ये कंडीशन याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं, और आपको क्या करना है, जितना हमने आपको यहाँ तक बताया है इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर सेकंड में पहले -1 करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, फिर log n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपने इतना सारा लिख लिया होगा, अब इधर वाला पार्ट हम इरेज करके आगे का आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक लिखने के बाद इसके आगे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड लेंगे, तो इसके आगे का हम यहाँ पे लिख रहे हैं,
यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्यूशन सेकेंड। इक्यूशन सेकेंड क्या दे रखी है हमें, यहाँ लिखा है एन यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन, यहाँ पे दे रखा है माइनस वन, और बराबर में हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है फोर एन स्क्वायर प्लस फाइव एन अपॉन में टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर दे रखा है। तो हमने इक्वेशन सेकंड जैसी लिखी थी वैसी लिख दी है। अब डी मॉर्गन टेस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे माइनस वन करेंगे, इस साइड में माइनस वन किया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस वन करेंगे। इस वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे फोर एन स्क्वायर प्लस फाइव एन है अपॉन में, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे पूरे पर तो टू एन का 2n प्लस टू का होल स्क्वायर ही आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा 2n प्लस टू का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर को आप पूरा खोल दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, माइनस का यहाँ खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस चल रहा है तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू कितना हो जाएगा 8n। मतलब यहाँ पूरा फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यहाँ माइनस चल रहा है तो अंदर के सारे सिंबल क्या हो गए चेंज हो गए तो ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन में है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5n माइनस का 8n तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है माइनस का 4 लिख लिया अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो ये हमारे पास इधर बन चुका है n यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन माइनस वन, साथ में एक और माइनस वन चल रहा है लिख लिया। अब हमें डी मॉर्गन टेस्ट लगाने के लिए इसमें लॉग एन से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय लॉग एन, तो लॉग एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन, ये भाई एन जो आपको सफिक्स में लिखना है, फिर यहाँ पे चल रहा है हमारा माइनस वन और ये लिख दिया फिर से माइनस वन और बाहर लगा दिया लॉग एन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लॉग वन से लॉग एन से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे लॉग एन से मल्टीप्लाई, तो थ्री एन माइनस फोर अपॉन में टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लॉग एन से मल्टीप्लाई करती है। अब हम दोनों तरफ जैसे ही लिमिट लगाएंगे वैसे ही वो क्या बन जाएगा डी मॉर्गन टेस्ट बन जाएगा, जिसे को बी ट्रेंड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी मॉर्गन टेस्ट अप्लाई, यहाँ लिखा हमने अप्लाई डी मॉर्गन टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट ठीक है अप्लाई करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा, n यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन आया माइनस का वन, फिर से माइनस वन और बाहर क्या चल रहा है लॉग n लिखा, बराबर लगाया, इस साइड में भी लिमिट लगाई, n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा, माइनस का 3n माइनस का 4 अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे log n आ गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ भी n चल रहा है और पहली बात तो यहाँ से हम n को पहली बात कॉमन लेते हैं उसके बाद आगे का बताएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ से 3n कॉमन ले लीजिए तो ये 3n भाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस का 1 और ये बचा है माइनस का 4 अपॉन में 3n आ गया, अपॉन में यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो इसका भाई होल स्क्वायर कॉमन आएगा ना, और होल स्क्वायर को अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 4n का स्क्वायर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन में 2n का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये जो लिमिट है ये भी एक फंक्शन है अपने आप में log n है, तो ये लिमिट इस फंक्शन के साथ में भी जाएगी, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए ध्यान से जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल करिए, पहली बात तो n से n हो गया कैंसिल तो यहाँ क्या बचा 3 अपॉन 4, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, देखिए ध्यान से ये बराबर में जो चल रहा है इसे बराबर में आप लिख लेंगे, इधर साइड में हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास क्या बचा है बराबर में हमारे पास बचा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए 3 अपॉन 4 और यहाँ बचा है 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास बचा है माइनस का 1 और ये लिखा है माइनस का 4 अपॉन 3n लिख लिया, उसके बाद डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 4n नहीं लिखेंगे यहाँ पे, n आगे लिख देंगे प्लस लगाएंगे, लिखा है 1 प्लस, अब देखिए 2 से 2 भी ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन में n का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, नीचे एक n बचा हुआ है, इस n को हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि डिवाइड बचा है तो हम इसके नीचे भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इसके नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log n अपॉन में n आ जाएगा, देखिए ध्यान से ये स्टेप हमारे पास बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या किया है कॉमन लेने के बाद ये जो नीचे n बच रहा है एक कैंसिल करने के बाद तो उसको हमने यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दिया, देखिए यहाँ पे ना लिख कर हमने इसे यहाँ पे लिख दिया, क्यों यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये टोटल क्या हो जाएगा टोटल
जीरो बन जाएगा। अब जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही आ जाता है। अब आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, अगर आपने यहाँ इन्फिनिटी रखा तो लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। नीचे भी इन्फिनिटी, मतलब कुल मिला के इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लॉग एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एन, और एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा। और इधर हमारी लिमिट चल रही है एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही आप यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आप साइड में चाहे तो लिख सकते हैं इस टोटल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आप चाहे ऐसे लिख लीजिए बट करके, बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या चल रहा है, लॉग एन अपॉन एन, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जब जीरो होती है तो ये बराबर के नीचे ही आप बराबर लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो से किसी की मल्टीप्लाई होगी तो वो आ जाएगा जीरो। और जीरो का मतलब है ये आ गया लेस देन वन। और इधर क्या चल रहा है, इधर जो LHS में ये पूरा पार्ट चलेगा, तो आप लिखेंगे हेंस करके, जब ये लेस देन वन आया तो बताइए हेंस सिग्मा UN, मतलब जो सीरीज है वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। तो इसका, इस सीरीज का फाइनल आंसर ये है। तो आपने देखा दो टेस्ट फेल होने के बाद फाइनली तीसरा टेस्ट जब हमने लगाया तो उसकी वैल्यू लेस देन वन आ गई है। इसका मतलब ये सीरीज क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगी। वैसे थोड़ा लेंथी सवाल है, स्टार्टिंग में हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बस क्या किया, इसके लिए तीन टेस्टेस, अब देखिए 10 टेस्टेस में से तीन टेस्टेस तो इसी में लग गए, तो तीन टेस्टेस के फॉर्मूले आई होप आपको याद हो गए होंगे। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी तो सारे टेस्ट में चलेगी, अगर UN अपॉन में UN प्लस 1 है तो ये डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है। अगर हम इसमें माइनस 1 कर दें और एन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये राबेस टेस्ट बन जाता है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सभी में चलेगी, ठीक है। फिर अगर हम इसमें एक और माइनस 1 कर दें और लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा डी मॉर्गन टेस्ट। तो तीन टेस्टेस तो आपको इसी क्लास में मिल गए हैं। आगे के क्वेश्चन जब हम आपको और सॉल्व कराएंगे PYQ वाले, तो हो सकता है और भी क्वेश्चंस आए तो उसमें आपको और भी टेस्टेस मिल जाएंगे। तो जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तीन टेस्टेस बताएं अलग से लिख लीजिएगा, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो फॉर्मूला आप पहले अलग से देख लें। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम भाई साइड हो जा रहे हैं, पहले इधर वाला पार्ट तो आपने सारा लिख लिया होगा, यहाँ तक टेस्ट फेल जो हो गया है। यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये पूरा आपको लिखना है यहाँ तक। और यहाँ तक लिखने के बाद ये थोड़ा सा पार्ट और है, यहाँ तक लिखेंगे और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो इसमें क्या आया है, सीरीज कैसी आई है, डाइवर्जेंट आई है। तो हम यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं, आप वीडियो रोक कर इतना भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको एक सवाल बताया, थोड़ा क्लास बड़ा जरूर हो गया होगा, लेकिन हाँ इस क्लास में हमने आपको ये सिखाया है कि कोई भी टेस्ट दे रखा हो, टेस्ट द सीरीज वाला कोई भी सवाल हो, हम इसी तरह से लगाते हैं। समझ में आ गया। तो आज इस क्लास में इतने ही रखते हैं, साथ में जाते आते आपको ये बता देते हैं कि हमारा कोर्स भी है हमारी एप्लीकेशन पे, अगर आप चाहें तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स देख सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में कोर्स रखा गया है। कहाँ मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, BDKDN के नाम से एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर लेंगे आपको। इंस्टॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा वहाँ पे BSc फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो उसे परचेस कर लीजिए, वहाँ पे दोनों बुक सारी कंप्लीट करा दी हैं। कंप्लीट कराने के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट पूरे PYQ सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आप देख सकते हैं जो जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो पेपर में पूछे जा रहे हैं। समझ में आ गया। और जो बच्चे कोर्स में देख ही रहे हैं उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी नहीं। जो बच्चे यूट्यूब पर हैं तो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी हैं। आज इस क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक सवाल और बचा है इस वाले 2023 के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, उसे कराएंगे अगले क्लास में। आज इस क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।